जावास्क्रिप्ट एक कमाल की लैंग्वेज है जिससे कि आप लोग पावरफुल वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अगर आज की तारीख में आप लोगों को जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो शायद ही आप लोग एक सक्सेसफुल वेब डेवलपर बन सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप लोगों को जावास्क्रिप्ट मास्टर हो गई है तो आप लोग एक बहुत ही सक्सेसफुल वेब डेवलपर बन सकते हैं, और आप लोग वो काम जो कि दूसरे लोग काफी मेहनत से करते हैं बड़ी आसानी से कर पाएंगे। इस कोर्स के अंदर हम लोग हैंड रिटन नोट्स, सोर्स कोड और भी बहुत सारी रिसोर्सेज के साथ जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग से लेके एंड तक सीखेंगे। चीजों को मैं बहुत आसान बनाने के लिए आप लोगों के लिए आ गया हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट में लिख दें, दिस जावास्क्रिप्ट कोर्स इज हेल्पफुल। हमारा पहला वीडियो इंट्रो टू प्रोग्रामिंग होगा जिसमें मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन दूंगा, और आप में से कई लोगों ने शायद इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट कोर्स में एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन चीजों को स्क्रैच से सीखने का मजा ही कुछ और है यार। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड देन विल रेज द बार लाइक एनीथिंग। आई कैन अश्योर यू कि ये जावास्क्रिप्ट कोर्स आप में से कई लोगों के कैरियर के लिए गेम चेंजिंग साबित होने वाला है। दिस इज द अल्टीमेट जावास्क्रिप्ट कोर्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा उस पीडीएफ से जो कि मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करी है। यहाँ पर आपको सारे नोट्स मिलने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग से। प्रोग्रामिंग एक तरीका होता है कंप्यूटर से बात करने के लिए। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कभी प्रोग्रामिंग नहीं करी है तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि हिंदी में, इंग्लिश में, बंगाली में, स्पैनिश में, जापानीज़ में, चाइनीज़ में जिस तरह से हम दूसरों से बात करते हैं उसी तरह से कंप्यूटर से बात करने के लिए हम लोगों को एक तरीका अपनाना पड़ता है, और इसी तरीके को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। इस प्रोटोकॉल को हम लोग प्रोग्रामिंग कहते हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो प्रोग्रामिंग क्या है। जो एक कंप्यूटर होता है वो एक बहुत ही डम मशीन होती है, और आप उससे कोई भी काम करने को बोलोगे तो वो नहीं करेगा। जैसे कि आप अगर कंप्यूटर से कह दो कि यार एक चाय बनाकर ले आओ, क्या आपको चाय मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर मैं अपने कंप्यूटर से कहूँ यार मेरे फ़ोन में रिचार्ज करा दो कोई सस्ता वाला, क्या वो समझेगा? कभी नहीं समझेगा। वो तो रिचार्ज करा दो 310 का, तब भी नहीं समझेगा। ठीक है, तो आपको बताना पड़ता है कंप्यूटर को बहुत ही क्लियरली, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि यार ये करो, ऐसे करो, ठीक है, 1+2 ऐड करो, तब कंप्यूटर कर देगा। किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके अगर आप लोग कोई भी काम करवाना चाहते हो कंप्यूटर से, वो कर देगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ 45+8=2, तो 53 इसने बता दिया मुझे। यहाँ पर इसने किस एप्लीकेशन का यूज़ किया? क्रोम का, क्योंकि सारा का सारा लॉजिक ऑलरेडी लिखा गया है इसके अंदर, इसको पता है कि भाई क्या करना है। लेकिन अगर मैं कहूँ चाय बना दो, तो चाय बना दो इसको नहीं पता, इसीलिए मैंने कंप्यूटर को यहाँ पर डम बोला है। ठीक है, मान लो आप किसी से कहते हो कि यार बड़ी भूख लगी है यार, कुछ सीरियल्स ला दो खाने के लिए, और वो आपको DVD ला के दे देता है सीरियल की, तो आप क्या कहोगे यार? आप कहोगे यार मुझे खाने वाले सीरियल चाहिए थे, मुझे कोई DVD नहीं चाहिए थी यार, मेरे को कोई वो थोड़ा ना देखना है सास बहू और बालिका वधू, या फिर घर घर की कहानी, या फिर आपका कसौटी जिंदगी की, यू गॉट द पॉइंट यार। ठीक है, तो वाली सीरियल की DVD कोई लाके पकड़ा दे तो आप लोग उससे यही कहोगे कि भाई दिमाग खराब मत करो मेरा, ऑलरेडी बहुत दिमाग खराब हो रहा है, भूख लग रही है यहाँ पे, मुझे लाके तो खाने वाले सीरियल, ना कि सीरियल की DVD। तो इस तरह से आप लोग अगर कंप्यूटर को कुछ भी बोलते हो तो वो नहीं करेगा काम आपका, क्योंकि कंप्यूटर एक डम मशीन है। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया, यही बात मैंने नोट्स में लिखी हुई कि प्रोग्रामिंग इज द एक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ प्रोग्राम, अ सेट ऑफ प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। आपको कंप्यूटर को क्लियरली बताना पड़ेगा कि यार ये करो, ऐसे करो, और वो कर देगा आपका काम। अगर कंप्यूटर डम है तो कंप्यूटर को यूज़ क्यों करना? कंप्यूटर को उठा के फेंक क्यों नहीं देते? इसलिए नहीं फेंक देते क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर इंसान से ज़्यादा फास्ट कर सकता है। इंसान से ज़्यादा समझदारी के साथ नहीं कर सकता, इंसान से ज़्यादा फास्ट कर सकता है। स्पीड के कारण हम लोग यूज़ करते हैं, एक्यूरेसी के कारण यूज़ कर सकते हैं हम कंप्यूटर को, क्योंकि अगर आप किसी इंसान से कहते हो 4+3 कितना होता है, वो शायद एक बार को आपको 6 बता दे, लेकिन कंप्यूटर आपको कभी भी 7 नहीं बताएगा, गिवन कि आपने उसको सही से प्रोग्राम किया है। ऐसा नहीं है कि 3 बार आप पूछ रहे हो कंप्यूटर से 4+3 कितना होता है, वो 7 बता दे, और चौथी बार आप लोगों को 10 बताकर आपको जो है अंधेरे में डाले। बहुत लॉयल होता है कंप्यूटर। ठीक है, अब यहाँ पर ECMAScript के बारे में बात करते हैं, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा जावास्क्रिप्ट को हम लोग एग्जीक्यूट किस तरह से करेंगे। ECMAScript एक स्टैंडर्ड है जावास्क्रिप्ट का, यानी कि कभी भी आप जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ भी लिखते हो या फिर उसमें कुछ ऐड करते हो, लेटर से आपको लगता है कि यार जो ये लैंग्वेज है इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ एक फीचर एक्स, ठीक है, तो आप ECMAScript में ऐड करोगे, जो कि एक स्टैंडर्ड है जिसको जावास्क्रिप्ट फॉलो करती है। मैं आप लोगों को थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ उस चीज़ के बारे में। ऐसा हुआ था कि पहले 90s में जब जावास्क्रिप्ट इवॉल्व हो रही थी, तब हुआ ये था कि बहुत सारे लोग अलग अलग
फीचर्स पे काम कर रहे थे जावास्क्रिप्ट के, कोई कह रहा था यार ये चीज़ ऐड कर दो जावास्क्रिप्ट में, कोई कह रहा था वो चीज़ ऐड कर दो जावास्क्रिप्ट में, कोई एक स्टैंडर्ड नहीं था। इसलिए एक्मास्क्रिप्ट एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि यार जो भी चीज़ें ऐड हो, ऐसा ना हो कि मेरी जावास्क्रिप्ट अलग चल रही है, आपकी जावास्क्रिप्ट अलग चल रही है, ब्राउज़र अगर मैंने बनाया तो आपकी मेरे ब्राउज़र में नहीं चल रही जावास्क्रिप्ट, आपने ब्राउज़र बनाया तो आपकी जावास्क्रिप्ट मेरे में नहीं, मेरी आपके में नहीं। ये सब चीज़ें हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर एक स्टैंडर्ड चाहिए जिसको सब लोग फॉलो करेंगे, बढ़िया करके फॉलो करेंगे और समझ में आएगा यार कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमने जो है ECMAScript एक स्टैंडर्ड बनाया। कोई भी आपसे कभी ECMAScript कहता है तो आप जावास्क्रिप्ट और ECMAScript को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो इन ऑलमोस्ट ऑल दी केसेस, ठीक है। अब इसके बाद एक लाइन लिखी है मैंने यहाँ पर, जावास्क्रिप्ट इज़ वेरी लिबरल इन व्हाट इट अलाउज़, यानी कि जावास्क्रिप्ट आपको अलाउ करती है डूइंग ऑलमोस्ट एनीथिंग, कभी एरर थ्रो नहीं करेगी। जब बहुत ज़्यादा हद हो जाएगी तब आपको एरर थ्रो करती हुई दिखेगी जावास्क्रिप्ट, सेमीकोलन नहीं लगाओगे एरर थ्रो नहीं करेगी, कोशिश करेगी जावास्क्रिप्ट हमेशा कि यार कुछ ना कुछ कर दे, आपने जो कोड लिखा है उसको ऑटो करेक्ट करके समझ ले और कम से कम एरर थ्रो करे। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट को यहाँ पर लिबरल कहा गया है। तो यार अब नीचे स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा है, मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया। अरे कोई नगर पालिका को बुलाओ यार, नगर पालिका को बुलाओ, पता नहीं क्या हुआ था यार, माउस को निकाल के मुझे वापस से प्लग करना पड़ा, उसके बाद चलाइए। तो अब बात करते हैं हाउ टू एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट। देखो यार जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के कई तरीके हैं, ठीक है। ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हो आप लोग जावास्क्रिप्ट को, जब भी आप वेबसाइट देखते हो जैसे कि फेसबुक जैसी वेबसाइट, या फिर आप गूगल को भी अगर देखते हो, या फिर आप मैं किसी अच्छी वेबसाइट का एग्जाम्पल देता हूँ, आपको ट्विटर को देखते हो आप, ठीक है, तो वहाँ पर आपका जो कंटेंट है वो चेंज होता है और बिना पेज को रिलोड किए चेंज होता है। व्हाट्सएप वेब की हम लोग बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप वेब पर आप किसी दोस्त को मैसेज भेज रहे हो, टुनो आपके पास आ गया मैसेज, ठीक है, आपको पेज रिलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये सब क्या है, ये सब जावास्क्रिप्ट है। मुझे तो मेरे दोस्त पता नहीं क्या क्या मैसेज करते रहते हैं, गाना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, पता नहीं क्या क्या मैसेज करते रहते हैं व्हाट्सएप। मैं कहता हूँ भाई क्या चल रहा है, वो कहते हैं यार वो ना मुझे ट्रांसफ़र करना था कंप्यूटर में। मैं कहता हूँ मैं ही मिलता हूँ यार तुम्हें ट्रांसफ़र करने के लिए, हाँ सब कुछ मुझे भेज देते हो, तो ये भी करते हैं लोग, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन हम लोग बना सकें, और जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने का एक सबसे अच्छा, आसान और क्लियर तरीका, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है ब्राउज़र। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर नई टैब खोलूँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ, कंसोल पर जाऊँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ console.log और मैं हेलो लिख दूँ, ठीक है, हेलो वर्ड लिख दूँ, एंटर मारूँ तो देखो हेलो वर्ड यहाँ पर प्रिंट हो गया। अभी इस जावास्क्रिप्ट को मैं समझाऊंगा कि क्या लिखा है, कंसोल क्या है, डॉट लॉग क्या है, किस तरह के फंक्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट में, क्या होता है, ये सब मैं बताऊंगा, तो कंफ्यूज मत होना क्या है अगर आप लोग एक प्रोग्रामिंग बिगिनर है। तो कुल मिलाकर आप लोग नई टैब खोलकर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ये आप सभी लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। अब एक और तरीका जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने का, एक रन टाइम को इस्तेमाल करो, जैसे कि Node.js। Node.js क्या है, किसी ने क्या किया कि जो ब्राउजर के अंदर का इंजन होता है V8 इंजन जो था उसको डाल दिया C++ प्रोग्राम के अंदर, ताकि जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर से बाहर चलाया जा सके। इस व्यक्ति का नाम था रायन डाल और इन्होंने ये काम किया था इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट, इन ऑर्डर टू सी द ब्यूटी ऑफ जावास्क्रिप्ट आउटसाइड ऑफ द ब्राउजर, उन्होंने इसलिए ये काम किया था, और ये काम करने से उनको बहुत ज़्यादा सफलता मिली, लोगों ने उनके प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और इसको जावास्क्रिप्ट रन टाइम कहते हैं। Node.js आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो अपने कंप्यूटर के अंदर और जावास्क्रिप्ट कोड को रन कर सकते हो। एक और तरीका होता है एग्जीक्यूट करने का जावास्क्रिप्ट को, आप HTML के अंदर स्क्रिप्ट टैग लगा सकते हो, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर डाल सकते हो स्क्रिप्ट टैग को, और वहाँ पर जो है आप लोग जब HTML पेज को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती हुई दिखेगी। लेकिन मैं आप लोगों को एक तरीका और बताऊंगा यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने का, और वो है रैपलेट, ठीक है, रैपलेट। अब रैपलेट क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता भी होगा शायद कि रैपलेट क्या है। रैपलेट बेसिकली एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग जावास्क्रिप्ट चला सकते हैं। अगर आप लोगों के पास फोन वगैरह है, कुल मिलाकर आप लोग जावास्क्रिप्ट यहाँ पर चला सकते हो। मैं आप लोगों को कोड बांटूंगा वो ईजी हो जाएगा, उसी के साथ साथ अगर आप लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, कुछ लोगों के पास नहीं है, वो लोग फ़ोन पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट, उनको कोई फैंसी लैपटॉप की, फ़ोन की, मतलब पावरफुल फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, आप एक बहुत ही नॉर्मल से फोन में चला सकते हो अगर आप चाहते हो तो जावास्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं आप लोग को दिखाता हूँ रैपलेट कैसे काम करता है। इसमें आप लोग रैपल बना सकते हो, ठीक है। देखो जब मैंने ये सारी रैपल्स बना रखी हैं, ये मेरी प्राइवेट रैपल है, ठीक है, ये मैं नहीं दिखाऊंगा आपको क्या है। अब ये मैंने कुछ पब्लिक रैपल्स बना रखी हैं जो कि मैंने कोड लिखा आप लोगों को देने के लिए, ठीक है। तो ये सारा का सारा रैपल्स मेरी बनी हुई है, लेकिन इस कोर्स के लिए जो मैं रैपल्स बनाने वाला हूँ उसके लिए मैं एक फोल्डर बनाऊंगा और उसका नाम मैं रखूंगा अल्टीमेट जावास्क्रिप्ट कोर्स कोड विद हैरी,
ठीक है, और मैं यहाँ पर क्रिएट फोल्डर पर क्लिक कर दूंगा, और क्रिएट फोल्डर पर क्लिक करने के बाद आप देखो यहाँ पर एक फोल्डर बन गया अल्टीमेट जावास्क्रिप्ट कोर्स कोड विद एरी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब मैं इसके अंदर एक नई रैपल बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस रैपल का नाम मैं दूंगा 01 भी नहीं, 00 दूंगा। मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की टेम्पलेट सर्च करता हूँ, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के लिए मैं नोड जेएस लेटेस्ट यूज़ करूँगा। ठीक है, अब नोड जेएस क्या है मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है, तो मैं इसका नाम रखूँगा 00_introduction to JS। ठीक है, और ये मेरी फाइल का नाम होगा, यानी कि रैपल का टाइटल होगा, और क्रिएट रैपल पर क्लिक करूंगा। ऑब्वियसली ये पब्लिक रहेगी ताकि आप सबको वो कोड मिल जाए जो कि मैं लिखने वाला हूँ। अब आप लोग देखना यहाँ पर ये सारी की सारी फाइल्स को लोड कर रहा है, और मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ console.log हेलो वर्ल्ड और इसके बाद इस रैपल को रन करता हूँ, तब आप लोग देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो एक चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ, ये रैपलेट का फीचर है कोड। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद जनरेट कोड पर क्लिक करूँगा, और मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 3 नंबर्स। ठीक है, और मैं जनरेट पर क्लिक करता हूँ। बाय द वे ये जावास्क्रिप्ट का फीचर नहीं है, ये रैपलेट का फीचर है, ये मैं आप लोग को बता दूँ। मैं बस आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आप लोग जो है इस तरह के काम कर सकते हो। ठीक है, तो रैपलेट के कुछ एडवांस फीचर्स भी हैं जैसे कि आपको मैंने दिखाया यहाँ पर, लेकिन हम धीरे धीरे चलेंगे, ये सब मैं आप लोगों को अभी दिखाकर ओवर नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में, मैं बताऊंगा आपको फंक्शन क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। आप ये मत सोचना कि यार पहले ही वीडियो में फंक्शन लिख दिया, बताया भी नहीं क्या होता है। सिंपली कुछ कोड लिखना चाहता हूँ, ठीक है, और आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट कितनी पावरफुल है। ये 3 नंबर्स को ऐड करने का कोड है। ठीक है, और मैं अगर यहाँ पर लिखूँ let c = मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये कोड आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम आने वाले टाइम में सब समझेंगे कि यह चीज़ क्या होती है। ठीक है, मैं बस कुछ कोड लिखकर आपको दिखाना चाहता हूँ, रैपलेट से आप लोगों को फैमिलियर कराना चाहता हूँ। देखो मैं इसको रन करूँगा तो 57 प्रिंट हो रहा है, 3 नंबर्स को इसने ऐड कर दिया। ठीक है, console.log क्या होता है, फंक्शन कीवर्ड क्या होता है, ये क्या किया हमने, ब्रैकेट क्यों लगाया, इसको ऐसे क्यों किया, इसको ऐसे, ये सब आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ में पता चलेगा। अभी सिंपली चेप दो, कॉपी पेस्ट कर दो, और ये मत कहना मुझसे मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ, पता है तुम लोग जो है एग्ज़ाम्स में, पता है मुझे, पता है सब। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप आप लोग को मजा आया। मैं काम करूंगा जावास्क्रिप्ट कोर्स की एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा सारे के सारे वीडियोस कब कब डल रहे हैं, एक जगह पर सारे वीडियोस देखने को आप लोगों को मिल जाएंगे। तो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा रैपलेट में, तो मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट बनाई दी है जावास्क्रिप्ट कोर्स को लेकर। आप लोग को सिंपली अल्टीमेट जावास्क्रिप्ट कोर्स जो है मेरा, ये फोल्डर एक्सेस करना, उसमें डलते रहेंगे सीरीज से वीडियोस सारे के सारे। रैपल्स को एक्सेस आप लोग कर लेना, रैपल का लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जैसे जैसे मैं प्रोग्राम्स लिखता जाऊंगा वैसे वैसे आप लोगों को रैपल के लिंक्स में देता जाऊंगा। यहां पर मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और बढ़िया कर देता हूं, लिखता हूं दिस प्रोग्राम एड्स 3 नंबर्स। ठीक है, एड्स 3 नंबर्स नहीं करता हूं मैं, एड्स 1, 2 और 54। ठीक है, तो मैंने बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम लिखा जो कि 3 नंबर्स को ऐड करता है। मुझे पता है लगेगा कि यार तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा, लेकिन आने वाले वीडियोस में हम लोग ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स लिखेंगे जिसको देखकर आपको मजा आएगा और आपके मुंह से वाओ निकलेगा। तो विद दैट सेट मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, आने वाले वीडियोस में मिलेंगे। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो PDF है इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, ये भी डाउनलोड कर लेना। अभी हमारा सिर्फ पहला चैप्टर 0 चैप्टर इंट्रोडक्शन चैप्टर जो है वो अभी आया है, पहले चैप्टर की भी PDF दूंगा आपको। आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे सबकी PDF मिलती रहेगी, और ये कोर्स देखने के बाद आप लोग जावास्क्रिप्ट चैंपियन बन जाओगे, ये मेरा वादा है। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।